प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यहोशू की किताब अध्याय 3 उसकी 9 आयत, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 9 लिखा है, यहोशू ने इसराइलियों से कहा, यहां आओ और अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। और ये कब संभव होता है? कब आप और मैं परमेश्वर से बात कर सकते हैं? आप और मैं परमेश्वर के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब मसीह के साथ आपका मेरा रिश्ता घनिष्ठ है। अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर अपने कान को आपकी मेरी ओर लगाता है। और वह समय होता है जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्व हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना में अपना सारा समय परमेश्वर से बात करने में व्यतीत करते हैं, लेकिन सुनने के लिए कभी भी समय नहीं निकालते। हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जब सुनने की बारी आती है तो हम इनपेशेंट हो जाते हैं। जब सुनने की बारी आती है तो हमारा मन उतावला हो जाता है। और मैंने अधिकांश समय देखा है कि जब सुनने की बारी आती है तब शैतान भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश करता है। खुदावन चाहता है आप और मैं उसकी आवाज को सुनने वाले हों। क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे विभिन्न तरीकों से बात करता है? अजीजों, मैंने जो बात को देखा और वो ये है, जो अपने जीवन में जिन्हें मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, जब लोग मेरे से पूछते हैं कि पास्टर किशोर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है? अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे सबसे पहली चीज का जो इस्तेमाल करता है बात करने के लिए, जिसका प्राइमरी सोर्स है, वह है पवित्र शास्त्र, बाइबल। जब आप और मैं उसके वचन को पढ़ते हैं, कई बार वचन की आयतें ऐसा लगता है जैसे कूद कूद कर आ रही हो और हमारे दिल और दिमाग से बात कर रही हो, और परमेश्वर एक छोटी सी आवाज से, अपने वचन से आपसे मुझसे बात करना चाहता है। दूसरी बात मैंने देखा, परमेश्वर कई बार अपने लोगों के माध्यम से आपसे मुझसे बात करता है। काफी साल पहले की बात है, एक दिन बहुत निराश था, टूट चुका था, जब मैं बाइबल स्कूल में था और मेरी माँ की चिट्ठी मेरे पास आती है और वो बताती है, किशोर इस समय हम बहुत परेशान है। वो अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उस चिट्ठी को पढ़कर मैं बहुत व्याकुल हो गया, बहुत निराश हो गया, टूट गया। मन के भीतर से आवाज आई, सब कुछ छोड़कर अपने घर चले जा, कुछ काम करना ताकि परिवार का बोझ हल्का हो जाएगा। और जब बहुत निराश था, हताश था, टूटा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तब मुझे याद है एक लड़का, एक हार्ट बीट 13 साल 14 साल का एक बच्चा मेरे पास आया। अब मुझसे कहने लगा, किशोर भैया, क्या कभी आपने प्रभु के वचन में एक वचन पढ़ा? मैंने कहा, कौन सा? और तब वो भजन सीता से मुझे पढ़कर बताता, और उसने मुझसे कहा, दाऊद इस तरीके से कहता है, मैं जवान था पर मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी के परिवार को त्यागा हुआ नहीं पाया, उसके वंश को कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं पाया, वरन वो दिन भर उदारता के साथ देता है और उसके वंश के ऊपर परमेश्वर की आशीष ठहरती। और आप विश्वास करिए, इस वचन ने मेरी सोच को बदला, ये वचन मेरे दिल में और आज भी मेरे जहन में ये वचन बैठा हुआ है। उस बालक के माध्यम से परमेश्वर मुझसे बात करता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल के दें। लेकिन सबके परे ये बात सच है, लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आप देखिए प्रभु का वचन इस बारे में क्या कहता है। प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का वचन इस बात के साथ कितना तालमेल खाता है। न जाने ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूं जो लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं, मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं। मेरे भाई, क्या तू स्वर्ग में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है? यदि हम चाहते हैं कि लोग खुदा की वाणी सुने, तो ये बोलना बंद करो कि मैं तुम्हें जो सुनाता हूं वो सुनो, वरन ये बोलना शुरू करो, आओ हम मिलकर उसके वचन से सीखें, सुने। कैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन रहा है? इस बात को याद रखिए, पहली बात, परमेश्वर जब आपकी मेरी आवाज को सुनता, और आप और मैं जब प्रभु की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर कभी भी अपराध का बोध आपके अंदर पैदा नहीं करता।
प्रभु अपनी शांति से आपको भरता है। प्रभु जब हमसे बात करता है, मैंने कहा वो अपने पवित्र शास्त्र से बात करता है, जिससे आपका मेरा विश्वास का निर्माण होता है। और परमेश्वर जब हमसे बात करता है, आपके जीवन को आप और अधिक प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ पाओगे। प्रभु आपको भ्रम में पड़ने से बचाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपसे बात करना चाहता है। आज मेरी इस आवाज को सुनने वाली मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाह रहा हूं, क्या तू मेरी आवाज को सुन रही है? क्या तू इन शब्दों को समझ पा रही है? मेरे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूं जो आज सुबह तू मुझे सुन रहा है। परमेश्वर का वचन सर्वोपरि, और वह हमसे बात करता है। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, हमें अनुग्रह दे कि हम तेरी आवाज सुनना सीखे। जब मैं प्रार्थना करूं, प्रभु जी मैं कम बोलूं लेकिन मैं तेरी ज्यादा सुनने पाऊं। जब मैं बाइबिल पढ़ूं तो मैं अपनी कम सोचूं लेकिन तेरी सोच में सोचने पाऊं। मेरी मदद कर परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि हर दिन के दौरान मैं अपने आप को इतना खुला करूं कि तेरी आवाज को सुन सकूं। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कहता हूं और कोई क्या कहता, लेकिन खुदावन तू अनुग्रह दे हम अपने तन मन से तेरी वाणी को सुनने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा आपके संग रहे। बोलने से ज्यादा परमेश्वर आपका अनुग्रह दे आप उसकी आवाज को सुने। प्रभु आपके संग हो। जय मसीह की।